पानी है ही नहीं, कहाँ जाए नहाने धोने, बड़ा दिक्कत पानी का, पूरा जाओ ढोड़ी चल पे खाती हूँ, सूख गया है भैया ढोड़ी। पानी बिजली घर दुरा भी हम लोग का नहीं बना है, एक तो इंद्रवास नहीं आया है। पानी का ही समस्या है हम लोगों के मोहल्ले में, बाकी तो सब ठीक है। टैंकर एक महीना में आता है, ये बात सही कि टैंकर एक महीना में आता, थक जाते हैं बुलाते बुलाते, नहीं आता टैंकर। हम लोगों के एरिया में खाली परेशानी एक चीज का है, हाथी। गांवों की समस्याएं तो कई तरह की होती हैं, लेकिन जो यात्रा के दौरान मैं देख रहा हूं, चाहे वो सोनभद्र हो या चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे यहां का कोरबा जिला हो छत्तीसगढ़ का, पानी की समस्या आम है, पीने के पानी की समस्या आम है। ये क्लाइमेट चेंज का भी असर है और लोगों तक जो बेसिक सुविधाएं हैं ना पहुंच पाने का ये जो दर्द है ये साफ झलकता है। क्योंकि अभी अभी इस गांव में जो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये कोरबा ज़िले का, छत्तीसगढ़ में कोरबा ज़िले का परला ग्राम पंचायत है और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो गांव है 12 किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ के जो घर हैं इतने दूर दूर हैं कि जो गांव के लोगों को पानी की जो पाइपलाइन पहुँचाना भी एक बड़ी टेढ़ी खीर होता है। तो यहाँ पे पानी के लिए जो टैंकर आता है अभी ये भर के गया है, देखिए कैसे इन लोगों ने लाइन लगा के भरा और आधा तो खाली ही रह गया। पानी को लेके आप क्या करते हो, फिर कैसे प्रबंध करते हो जब टैंकर नहीं आता है? जाते हैं किसी के घर मांगने, और क्या भैया, किसके सबके, और किसी के बोर है, एक किलोमीटर आगे में एक बोर है, जाते हैं तो लाइट रहता तो मिल जाता, नहीं रहता तो किसी किसी मांगते हैं, क्या करेंगे। तो ये हम देख रहे थे कि गांव में वो पाइपलाइन तो बिछी हुई है, वो जो नहीं चालू है, नहीं चालू नहीं हुआ, लगा है चालू नहीं है, चालू नहीं हुआ है। अच्छा, कब से लगा पड़ा है ये? 3-4 साल हो गए, 5 साल, 3-4 साल। हाँ, अगर पानी चालू हो जाए ना तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 साल से पड़ा है गड्ढा करके बस। जी जी, कितने साल हो गए आपको ऐसे ही देखते हो ये पानी का, और कैसे जुगाड़ करते हो? पहले तो ढोड़ी पानी रहते लेके आते के आ जाते, अब धीरे पब्लिक बढ़ते गई, पानी की कमी पड़ते गई। आप बताइए कि ये जो पानी की समस्या है ये कब से बनी हुई है और कितना कठिन है, ये दूर क्यों नहीं हुई? ये गर्मी के वजह से है, बाकी हेड पंप था ये ड्राई हो गया है, खराब हो गया है, इन्हीं के लिए बोर वोर के व्यवस्था के लिए जा रहे हैं, अभी ठीक हो जाएगा वो। अच्छा, पर ये लोग जैसे कह रहे हैं कि पिछले जब से जानने वाले हैं तब से ही पानी की समस्या है, अपना घर तो बटन बंद कर देते, नहीं भरने देते। अब पानी तो अलग बात है, पानी की समस्या खैर है यहाँ हर जगह है, बाकी हेड पंप ड्राई हो गया, 2-3 बोर यहाँ भी था वो सब ड्राई हो गए, ड्राई हो गया है। कितने फीट पे पानी नीचे आती है यहाँ पे, मतलब यहाँ 400-500 फीट में, 500 फीट पे नीचे बोर करना पड़ता है, कोई गारंटी नहीं है कि पानी निकल रहा है, निकल जाए। ये जो पाइपलाइन है ये क्यों नहीं चालू हुई, ये पता नहीं काहे चालू नहीं किया है। मैं तो अभी अब मधुवती चुनाव में हुआ, साल भर हुआ सरपंच बने मेरे को, हर चीज दे रहा है, हर चीज, चावल टाइम में टाइम सोसाइटी में मिलता है, पानी का साधन टैंकर मंगवा दिया, कोई चीज का कमी नहीं, जब सरपंच बना तो हमारे गाँव में हर चीज हो गया। अभी तो बता रही थी कि टैंकर पूरा भरने नहीं दिया, तो भाग गया भले जल्दी, लेकिन सभी जने को पूरी जाए पानी। हाँ, एक महीना में टैंकर, एक महीना में आता है, ये बात सही कि टैंकर एक महीना में आता, थक जाते हैं बुलाते बुलाते, नहीं आता टैंकर, पानी की बहुत दिक्कत है। पर 29 दिन कैसे करते हो? अरे आधा बाल्टी मांगते हैं, 4 दिन में नहाते हैं, बड़ा दिक्कत, 4 दिन पे नहाना ही होता है, रो नहीं नहाते हो? रखा हुआ था घर में, पानी ही नहीं, कहाँ जाए नहाने धोने, बड़ा दिक्कत पानी का, पूरा जाओ ढोड़ी चल के खाती हूँ, सूख गया है भैया ढोड़ी, नदी जा देखो भाई साहब, बोतल पूरा गंदा, मच्छी छींच नाली छींच के पूरा खदमदा दिए, कीटाणु हो जाएगा शरीर में, खुजली हो जाएगा नहाएंगे तो, पानी का दिक्कत बहुत परेशानी है। जहाँ जाएंगे मांगने के लिए तो अभी में नहीं मिलेगा, शाम को आना, शाम को जाएंगे तो सुबह आना, कितना बाल्टी लेके जाएंगे दूसरे द्वार में, बताइए। क्यों, मतलब उनसे मांगने जाते हो क्या, उनके नल पे भरने जाते हो? मांगने जाते हैं, नल में कहाँ के देंगे, अपना बोर कुड़ाए हैं, उनके पास भी तो नहीं होगा ना, वो कैसे दे देंगे आपको पानी? तो उन लोग घर में कुड़ाए हैं, बोर वाले हैं, घर में प्राइवेट कुड़ाए हैं, तो उन लोग के यहाँ रहता है, जिनके यहाँ बोर है तो वो कहेंगे सुबह आना शाम को आना। जी सुबह आना तो सुबह नहीं, शाम को आना, अब बंद कर दिया मोटर जल जाएगा, कई तो परेशानी बताते हैं। दादा ये बताइए लाइट कब कब आती है? लाइट कभी गोल होता है तो 2-4 दिन भी नहीं आता है लाइट, वो अभी तो है लाइट। ये आपका पानी है? हाँ मेरा पानी है। तो आप बचा रहे हो? नहीं, घर भरने के लिए, यूज के लिए भर रहे हैं। नहीं अब तो चला गया, अब इसको कैसे ले जाओगे अंदर? बाल्टी से ले जाऊंगा, बाल्टी से ले जाएंगे, बाल्टी से ले जाओगे डूम के। और गांव में क्या 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 समस्या है? बहुत समस्या है, हमें पानी पता चला ये हाथी माथी आ जाते हैं। हाँ, हाथी हाथी सब गांव में घर में तोड़ देते हैं, घुस जाते हैं। किसका घर तोड़ा अभी? अभी वो रोड किनारे तोड़ा है 2 जने का। तो डर नहीं लगता है? डर लगता है सर, ठीक है सर। पानी के बहुत समस्या है, पानी टैंकर भिजवाइएगा, चाहे ये वाला जल स्तर वो चीज करवा दीजिएगा। तो ये मुखिया जी क्या बोलते हैं?
करवाएंगे करके बोल रहे थे, मगर इसके अलावा और क्या चाहिए सरकार से, और क्या चाहते हो पानी के अलावा? पानी, बिजली, घर दूरा भी हम लोग का नहीं बना है, एक तो इंद्रवास नहीं आया है। यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, काफ़ी दिन से है सर ये कहा है ना यहाँ। अब अभी अभी अब चारों तरफ नल वल खुदाई वुदाई हो रहा है, तो कितने दिन से खुदाई चल रही है? हाँ, काफ़ी दिन से हो रहा है, हैं अब धीरे धीरे करके विकास हो रहा है, और पानी का ही समस्या है हम लोगों के मोहल्ले में, बाकी तो सब ठीक है। दादा ये बताइए, हमें तो बताया गया यहाँ पे महीनों महीनों बिजली नहीं आती है। हाँ है, आगे ऐसा होता था, अभी अब नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, बिजली सुधरी है मतलब? हाँ, बिजली में सुधार आया है। पानी क्यों नहीं सुधरा है? पानी जो हर घर नल जल योजना चल रही है पूरे देश भर में, खुदाई तो हुआ है सर, इसमें पानी नहीं अभी आया आ पाया है। ये कब खुदाई हुई थी, कितने घंटे साल पहले? अभी इन्हें साल तो सब कुछ काम हुआ है, पर साल अब इन साल करके, और ये और मोहल्ला में पानी जा रहा है। तसल्ली मिलती है पाइपलाइन देख करके, खुशी होती है कुछ, कभी तो हमारी दिक्कत दूर होगी? हाँ, खुशी क्यों नहीं होगा सर, खुशी हो रहा है, अगर कहीं पानी आ जाएगा तो हम लोगों का समस्या सब दिन के लिए दूर हो जाएगा। आप तक क्या क्या योजनाएं पहुंची हैं, सरकार ने क्या क्या आपको दिया है? अब वही वो राशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन अभी 2-4 महीना से चालू हुआ है। हम लोगों के एरिया में खाली परेशानी एक चीज़ का है, हाथी का हमला हो रहा है। जब आप जंगल में ही हैं तो हाथी का भी तो घर है ये। हाँ, तो वही इसीलिए तो हो रहा है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब पहले तो नहीं होता होगा, हाथी तो बहुत पहले से होंगे, क्या ये हमेशा ही होता रहता है? हमेशा होता रहता है यहाँ तो, जब से हाथी आज 5-7 साल से यहाँ, 7-8 साल से आया है ना, जब से आनी दिन कुछ ना कुछ चुट पुट, कभी आदमी मार देना, कभी मकान तोड़ देना। अच्छा। बस्ती में आ जाते हैं ना सर, जंगल वाली बात अलग है, रात में बस्ती में घुस जाते हैं। तो कैसे ये बस्ती में घुसना बढ़ गया है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? अब ईश्वर जाने, अब उसको क्या बताएं। हाथी अभी अभी कब आया था, हाल में कब आया हाथी? अभी 2-4 दिन पहले तोड़ा है मकान, मकान तोड़ देता है। हाँ, घुस गया जहाँ, जिस घर ऐसे घर को तोड़ेगा वो, जिस घर में अनाज रहेगा उसी घर को तोड़ता है वो, जान जाता है वो कि इसमें हाथी अनाज। कैसे जान जाता है? हाथी जान जाता है सर कि अनाज है उस घर को तोड़ दो। हाँ, उसका उसी घर को तोड़ेगा। अच्छा। हाँ, और तो अनाज तो सबके घर में होता है। हाँ, तो वो जहाँ अनाज को इकट्ठा रखते हैं ना, कोठी वोठी बना के, वो उसी मकान को तोड़ेगा बस, जहाँ पर धान है वहीं पर को तोड़ेगा वो। ये जो पाइप है ये आप देख सकते हैं, जो नल जल योजना का पाइप है, कितना साल हो गया बने हुए? 3 साल पुराना हो गया सर। 3 साल से ऐसे ही रखा हुआ है, इसमें पानी नहीं आया? नहीं, नहीं मिलता है पानी, बिल्कुल पानी नहीं मिलता, सूखा पड़ा हुआ बनाया है बस, सूखा पड़ा है। तो कब आएगा? कोई इसका उम्मीद नहीं है पानी का, 3-4 साल पड़ा बस, वही आएगा आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, अगले साल आएगा बोलते हैं, मगर पानी का कोई उम्मीद नहीं है। 3 साल से ये सूखा पड़ा है, और इनको जो है पानी नदी से लाना पड़ता है, जो वहाँ पे बोर बनाते हैं वो वहाँ से पानी लेके आना पड़ता है। अगर टैंकर आया, महीने में एक बार टैंकर आता है जैसा कि आपने बताया, तो पानी की जो किल्लत है वो कितनी है, इसको इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं?